ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपके एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली प्राइम। टेली प्राइम की जो क्लास है, इस क्लास का आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैक डेट रिकंसिलेशन। क्या रहेगा? बैक डेटेड रिकंसिलेशन। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे एक बैंक रिकंसिलेशन करते समय यहाँ पे एक लास्ट की जो एंट्री है 2 अप्रैल 2024 को सप्लायर ए को पेमेंट किया, एक चेक दिया गया है 12111 जिसपे चेक की डेट है 2 अप्रैल 2024। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये 1 अप्रैल 2024 यहाँ डेट डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज आता है, एक एरर आता है, द बैंक डेट कैन नॉट बी लोअर देन इंस्ट्रूमेंट डेट। आप बैंक की डेट है जो वो इंस्ट्रूमेंट डेट से पहले नहीं डाल सकते। वैसे तो सही है कि हम लोग जब चेक काट रहे हैं जिस डेट को, उस डेट से पहली डेट यहाँ कैसे डाल सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये डेट चेक से संबंधित होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो बैंक की डेट है, बैंक में जो यहाँ पे जो डेट आई है वो बाद में आई है, और हमने या पहली डेट थी लेकिन हमने जो ट्रांजेक्शन किया था वो 2 तारीख को किया, जैसे 2 अप्रैल को। किसी कारण से जो ट्रांजेक्शन की डेट है, जो उसमें ट्रांजेक्शन की इंस्ट्रूमेंट डेट है वो आगे है, लेकिन हम उसे पीछे की डेट डालना चाहते हैं। जैसे यहाँ 1 अप्रैल मैंने डाला, ये एक एग्जाम्पल के रूप में है, तो यहाँ पे एक एरर आता है। इस एरर को दूर करके, या फिर हम चाहते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट डेट से पहली डेट ही डालना चाहते हैं और डालना भी चाहते हैं, ये हम लोग चाहते हैं ऐसा और करना, तो ऐसा हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। छोटा सा टॉपिक है, समझिए, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो ये सेम टू सेम जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखना चाहते हो और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि मैं आपको 365 दिन में 365 अकाउंटिंग की क्लासे दे दूं। आज की क्लास के लिए सबसे पहले काम करना है, आपको जाना है कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे। आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे आने के बाद में आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा टेली प्राइम का, उस पर डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करके चालू कर लेना। चालू करके वो सॉफ्टवेयर इस तरीके से रन हो जाएगा। रन होने के बाद में नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आ रहा है। मान लेते हैं आपकी कंपनी का नेम यहाँ नहीं आता है या आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है, फर्स्ट टाइम ये क्लास कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब चैनल पर लिखे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंटर करें, क्लिक करें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे टेली प्राइम की प्लेलिस्ट चूज करें, एंटर करें, 1 2 3 4 5 क्लास देख लें। टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना, कंपनी बनाना, सर्च अलग करना समझा दिया जाएगा। उसके बाद जैसे आपको ये सब समझ में आ जाए तो आप उसी टेली प्ले लिस्ट के अंदर टेली प्राइम की प्लेलिस्ट में से 117 नंबर भी नहीं करते, सिर्फ 116 नंबर की क्लास कर लें। 116 नंबर की क्लास करने से इसको जस्ट आज की क्लास करेंगे आपको 100% वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है आज के टॉपिक के लिए, जैसे 116 नंबर की क्लास कर लेते हो, उसे समझ लेते हो, प्रैक्टिकल कर लेते हो, तो आपको जाना गेट ऑफ टेली में, बैंकिंग में जाना है, और बैंकिंग में जाने के बाद में आपको करना है बैंक रिकंसिलेशन। बैंक रिकंसिलेशन करने के लिए आपको जो भी आपने बैंक का लेजर बना रखा है उसको चूज करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से डेट आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों को F2 प्रेस करना है। मैं ये चाहता हूं ये 1 अप्रैल से और 2 अप्रैल वाली ही सिर्फ मैं एंट्रीज देखना चाहता हूं, तो यहाँ पे ये खाली आ रही है, कोई परेशानी नहीं है। आपको जस्ट पहली क्लास में सिखाया था बेसिस ऑफ वैल्यू में चले जाना और इंक्लूडेड रिकंसेल्ड ट्रांजेक्शन्स को यस कर लेना और एस्केप की से या क्विट करके बैक आ जाना। यहाँ पे वो सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे जो रिकंसिल हो चुके थे, रिकंसिल्ड ट्रांजेक्शन है ये। इनमें मैंने जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल के रूप में ये ले लिया, मान लेते मेरे को यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बैंक से, रिसिप्ट की एंट्री है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट डेट है वो 2 अप्रैल है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 अप्रैल बैंक डेट डालना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 1 अप्रैल डालता हूँ बैंक की डेट, तो यहाँ पे मैसेज आता है द बैंक डेट कैन नॉट बी लोअर देन इंस्ट्रूमेंट डेट, यानी कि आप बैंक की डेट इंस्ट्रूमेंट डेट, इंस्ट्रूमेंट नंबर डेट, डेट इंस्ट्रूमेंट डेट से पहले नहीं डाल सकते। मैं फिर भी डालना चाहता हूँ, क्या करें? आप बैक करके इसको वापिस आए और आपको यहाँ करना क्या है, कीबोर्ड से अपने से या तो F12 प्रेस करें और या फिर आप कॉन्फिगर पे क्लिक करें। जैसे यहाँ पे कॉन्फिगर क्लिक, या तो F12 प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे कॉन्फिगर पे, तो यहाँ पे एक लास्ट में एक ऑप्शन आएगा अलाउ बैक डेटेड रिकंसिलेशन। इसको जैसे ही मैं यस करूंगा और यहाँ पे मैं डेट में, जैसे यहाँ पे 1 अप्रैल 2000, यहाँ पे 2 अप्रैल 2004 है और यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल 2024 और एंटर किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये एक्सेप्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी है, कोई एरर नहीं, कोई परेशानी नहीं, और एक्सेप्ट कर सकते हो आप।
तो आज का जो टॉपिक था वो यही था, बैकडेटेड रिकंसिलेशन। आप बैकडेटेड में जाके रिकंसिलेशन कर सकते हो। सरल सा आसान सा टॉपिक है, कोई परेशानी बात नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं। एक टॉपिक और है बैंक रिकंसिलेशन का, वो आपको नेक्स्ट सिखाने वाला हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।